नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सारे नए आवंटित बीबीसी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बीबीसी का कार्य है वो क्या है। बीबीसी पहले तो उसका फुल फॉर्म है भारत ब्रॉडबैंड चैंपियन, और इसके अंदर ये सीएफए सेगमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसके द्वारा डायरेक्ट कस्टमर्स और फ्रेंचाइजी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीबीसी का अपॉइंटमेंट हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीबीसी है उसका हर एक प्रत्येक बीबीसी को एक एफएमएस पोर्टल असाइन होता है। एफएमएस पोर्टल का यूज़र आईडी पासवर्ड असाइन होता है, जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड जो है, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जो एफएमएस पोर्टल है fms.bsn.in, ये इसका यूआरएल है। और यदि मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव का HRMS नंबर 20090937 है, तो इसका जो पहला वाला जो डिजिट है उसको ओमिट करके उसके आगे bbc_ यदि लगा दिया जाएगा तो वो उसका यूज़र नेम बन जाता है, और उसका जो पासवर्ड है वो 01012018 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कमलेश जी का bbc लॉगिन आईडी ये है bbc_00902931, और इसका पासवर्ड होगा 01012018। इसको लॉगिन करके हम देखते हैं कि बीबीसी को कौन कौन से कार्य जो है आवंटित होते हैं और क्या क्या उनको करना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कमलेश जी की माय प्रोफाइल देखें तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें चाहें तो ये एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट सेटिंग है, कुछ भी इनको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो इसको कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दूसरी चीज़ों में आए तो सबसे पहला आता है डैशबोर्ड, बीबीसी का डैशबोर्ड, जो बीबीसी के बारे जो बीबीसी की ओवरऑल बताता है कि उसकी क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है। तो ऐसे इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 11 ओएलटीज असाइंड हैं। इन 11 ओएलटीज में 36 कनेक्शन चलते हैं, टोटल एक पेंडिंग प्रोविज़न है, दो फॉल्ट हैं और 31 कस्टमर ऐसे हैं जो कि अनपेड हैं। अब इस किसी भी डिटेल को देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें 31 अनपेड कस्टमर देखने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से इसमें कस्टमर्स हैं। सेकेंड पॉइंट पे ओल्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे आती है, तो अभी नया फीचर ऐड हुआ है ओल्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इस ओल्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हम क्लिक करेंगे तो January 2023 का दिखा रहा है इसमें, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो ओल्टी असाइंड है इन पर्टिकुलर बीबीसी को, हमें हर प्रत्येक बीबीसी की जिम्मेदारी है कि हर मंथ में बीबीसी ये रिपोर्ट जो है सबमिट करे, उसमें ओल्टी का मेक क्या है, मॉडल क्या है, ओल्टी की कैपेसिटी क्या है और कब डेट, किस डेट में इंस्पेक्शन किया, फिर ओए का कोई आदमी ने कब इंस्पेक्शन किया और बीए का कब, और ये पूरा प्रोफॉर्मा भर के इसमें सबमिट होगा। कौन कौन सी मैप्ड ओल्टी हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी तक इनके पास 11 ओल्टी मैप हैं। अब मालिक अगले मंथ फरवरी में कोई ओल्टी इनके पास और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस मंथ में कितनी ओल्टी ऐड होती है और कितनी ओल्टी हटती है। उसके साथ ही कि हर कनेक्शन में हर प्रत्येक मंथ में कितने कनेक्शन थे, जैसे जनवरी जब स्टार्टिंग हुआ तो 3 कनेक्शन थे, जनवरी के अंत में भी 3 कनेक्शन थे और जो नेट कनेक्शन है वो 0 पड़े, यहाँ पर फॉल्ट भी यहाँ पर 0 आई। तो इस तरह से हर एक जो ओल्टी का जो डेटा है कनेक्शन वाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड, ये सारी चीज़ें इसमें जो है दिखाता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं ओल्टी अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और आउटेज, ये चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, अभी तक मैं ख्याल से इस पर कुछ काम नहीं किया गया ITPC के द्वारा, तो अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और आउटेज रिपोर्ट यहाँ पर दिखती नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ लीड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीड कैसे देखी जाती है, कैसे मैनेज की जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो जैसे यहाँ पे टोटल 3 लीड अभी हम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 लीड दिख रही हैं। इसमें से देखा जाए तो ये एरिया हाफिज़पुर में है, हाफिज़पुर मतलब कि ये एरिया भास्कर की टेरिटरी में आता है। अब इसको असाइन कैसे करना है, इसको असाइन करने के लिए
यहाँ पे असाइन की बटन जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टू असाइन टू फ्रेंचाइजी। मान लीजिए कि आपके एरिया की नहीं है, किसी और बीबीसी से पर्टेनिंग है, तो इसकी किसी और बीबीसी को भी इसमें असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे असाइन टू फ्रेंचाइजी करेंगे, यहाँ पे फ्रेंचाइजी का कोड FR कोड जो है वो पता होना चाहिए। ऐसे सारे कोड यहाँ पे दिखा रहे हैं कौन कौन से कोड हैं। तो फॉर एग्जांपल भास्कर का जो FR कोड है वो NUE AGNM FTTH 01 है। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे डाला हमने प्लीज़ कन्वर्ट इट टू ऑर्डर, ठीक है। अब इसको सेव चेंजेस कर दिया, तो ये वाली जो लीड थी यहाँ से चली गई हाफिजपुर वाली, और ये भास्कर के मेन्यू में अब दिखाई देगी। उसके साथ ही आउटबॉक्स में देखिए एक लीड पहले से साइन किया था और एक लीड अभी हाफिजपुर वाली जो है असाइन हुई है, ठीक है। सेकंड वन आपका आ जाएगा रूरल फाइबर। रूरल फाइबर के बारे में अभी कुछ यहाँ पे चूँकि शहरी एरिया है इसके लिए यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आपको। पेंडिंग OC कैब्स, तो जो कमर्शियल ऑफिसर के पास यदि कोई कैब पेंडिंग होगा अप्रूवल के लिए तो वो आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल ऑफिसर के पास कोई पेंडिंग यहाँ पे कैब पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और जो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो असाइन प्रोविज़न ऑर्डर। असाइन प्रोविज़न ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी फ्रेंचाइजी मैनेजर या कमर्शियल ऑफिसर जो भी ऑर्डर असाइन करते हैं, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर बीबीसी को मार्क होता है। अब वो उस बीबीसी को जो है उसको उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को अलाउट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नियर मिशन हॉस्पिटल आजमगढ़ का है, मतलब भास्कर का ये कनेक्शन है, इसको इन्हें असाइन करना है। तो यहाँ पे या तो ये ओल्टी IP सेलेक्ट कर लें कौन सी ओल्टी बजाना है। यदि वो ओल्टी IP को नहीं पता है और केवल फ्रेंचाइजी कोड पता है तो फ्रेंचाइजी कोड ही डाल दें यहाँ पे, तो फ्रेंचाइजी के मेन्यू में ऑर्डर रिफ्लेक्ट करेगा ताकि वो फर्दर इसको क्लोज कर सके। यहाँ पे जो मेंटेनेंस FR कोड है वो 4A का आएगा, मतलब जो एग्रीमेंट टाइप है ये भी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है 4A, और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये ऑर्डर जो है आपका सक्सेसफुली टैग्ड विथ फ्रेंचाइजी कोड, ये फ्रेंचाइजी के मेन्यू में ये ऑर्डर जो है दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन पे। कस्टमर रिटेंशन पे अभी कोई भी डिलीशन का यदि ऑर्डर हम बनाते हैं तो BBC के लॉगिन में जाता है। BBC उस कस्टमर के पास जाता है, उसको रिटेन करने के लिए आग्रह करता है। यदि कस्टमर रिटेन हो जाता है तो यहाँ पे रिटेंशन का टैब आता है। तो अभी चूँकि कोई डिसकनेक्शन का ऑर्डर बना नहीं है इनके लॉगिन इस BBC के लिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसी तरह ट्रैक प्रोविजनिंग का भी ऑर्डर आता है। जब भी कोई फ्रेंचाइजी अपनी प्रोविजनिंग डेटा आगे बढ़ाएगा तो इसमें प्रोविजनिंग का ऑर्डर आपका शो करेगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई प्रोविजनिंग पेंडिंग नहीं है। सेकंड वन इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में पेंडिंग फॉल्ट कौन कौन सी हैं, अब देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस में दो फॉल्ट पेंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे OLTI IP के साथ, ठीक है। अब इस पर आप व्यू करेंगे तो पूरे कस्टमर का डिटेल, कब बुक हुई थी, FMS में कब गई थी और क्या प्रॉब्लम है और किसके नाम पे है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो BBC का ये भी टास्क है कि वो सारे फ्रेंचाइजीज के साथ समन्वय करके उन सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी फ्रेंचाइजी के फॉल्ट्स हैं, उनको दूर कराए। उसके बाद भारत उद्यमी का भी कोई फ्रेंचाइजी अभी आजमगढ़ में रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे भारत उद्यमी का मैं चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जब जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा उद्यमी के बारे में भी मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। IPTV की फैसिलिटी भी अभी UP इस सर्किल में स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं है। रिपोर्ट्स, कई तरह की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें फ्रेंचाइजीज़ को अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत फाइबर चैम्पियन लीग रिपोर्ट, तो वो अवार्ड भी यहाँ पे दिखते हैं। अभी कोई यहाँ पे एलिजिबल फ्रेंचाइजी नहीं है जो यहाँ पे कोई अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया हो, इसलिए इसके यहाँ बताना सही नहीं है। पार्टनर 360 रिपोर्ट, इसमें कितनी OLT है आपकी वो दिखाता है। तो यहाँ पे देखें टोटल OLT रिपोर्ट जो है वो माई OLT 11 है, ये सारी OLT की रिपोर्ट दिखाएगा। कौन सा इंस्टॉलेशन एड्रेस है इसका, ये सारी चीज़ें इस BBC के बारे में दिखाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर वगैरह आ जाते हैं, टैरिफ्स हैं, न्यू इनिशिएटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाती हैं। तो ओवरऑल ये छोटा सा रिव्यू हुआ, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि आजमगढ़ को, जो कि अभी इस समय बॉटम लाइन में है,
और एकदम शिखर पे आए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।